हमीरपुर पुलिस लाइन दसड़का मैदान में चली पुलिस भर्ती के अंतिम दिन तीनों वर्गों के 603 अभ्यर्थी ने शारीरिक दक्षता परीक्षा पास की, जबकि पूरी भर्ती में कुल 5498 अभ्यर्थियों में से 2522 ने मैदानी बाधा पार कर लिखित परीक्षा के लिए अपनी जगह सुनिश्चित की है। पुलिस विभाग जल्द ही लिखित परीक्षा की तिथि की घोषणा करेगा। हमीरपुर में पुलिस विभाग के 88 पद भरने के लिए ये पुलिस भर्ती आयोजित की गई है। आपको बता दें कि अंतिम दिन कुल 1497 अभ्यर्थियों, जिनमें 299 पुरुष, 51 चालक और 1147 महिलाओं को भर्ती के लिए बुलाया गया था। इनमें से कुल 1111 जिनमें पुरुष 225, महिला 840 और चालक के 56 अभ्यर्थी ही भर्ती में पहुंचे थे। इन 1111 में से 508 जिनमें पुरुष 49, चालक 23 और महिला 426 शारीरिक दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण कर सके। इनमें से एक अभ्यर्थी दस्तावेज में 144, लंबाई में छाती फुलाने में 2 पुरुष अभ्यर्थी, लंबी कूद में 244 पुरुष 27 व महिला 217, ऊंची कूद में 67 पुरुष 15 व महिला 52, दौड़ में 42 पुरुष 14 और महिला 28 अभ्यर्थी बाहर हो गए, जबकि 8 चालक अभ्यर्थी ड्राइविंग टेस्ट में फेल हो गए। अंतिम दिन कुल 603 जिनमें 166 पुरुष, चालक 23, महिला 414 ने शारीरिक दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण की। 4 दिनों में कुल 2522 जिनमें पुरुष 2106, पुरुष चालक 23 और 414 महिलाओं ने मैदानी बाधा पार कर ली और लिखित परीक्षा के लिए अपना स्थान सुनिश्चित किया है। पुलिस अधीक्षक अजित सेन ठाकुर ने कहा कि कुल 2522 अभ्यर्थी ने शारीरिक दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण की है। जल्द ही लिखित परीक्षा की तिथि भी पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ से घोषित हो जाएगी। कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी की यूपी में हिरासत को लेकर हमीरपुर में भी विरोध के स्वर गूंजे हैं। एनएसयूआई के जिला प्रधान टोनी ठाकुर की अगुवाई में इसके विरोध में लघु सचिवालय के गेट के बाहर धरना किया गया। छात्र संगठन से जुड़े युवकों ने यूपी की योगी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। एनएसयूआई के जिला प्रधान टोनी ठाकुर ने बताया कि उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में 9 आदिवासी समुदाय के लोगों की हत्या स्थानीय पंचायत प्रधान द्वारा बड़ी बेरहमी से की गई थी। जब कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी उनसे मिलने गई तो धारा 144 का हवाला देकर उन्हें हिरासत में ले लिया। टोनी ने बताया कि इसी घटना के विरोध में एनएसयूआई ने जिला मुख्यालय पर हल्ला बोला और धरना प्रदर्शन किया। नेरचौक फोर लेन सड़क मार्ग के निर्माण कार्य में कार्यरत ठेकेदारों के करीब 150 करोड़ रुपए की धनराशि नहीं मिलने के कारण कॉन्ट्रैक्टर यूनियन ने आक्रामक रुख अपना लिया है। गौरतलब है कि सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कीरतपुर नेरचौक फोर लेन सड़क का निर्माण कार्य करीब 2 वर्षों से अवरुद्ध पड़ा है। पिछले कल पुनः इस सड़क मार्ग का निर्माण कार्य आरंभ हुआ था, मगर कॉन्ट्रैक्टर यूनियन ने पूर्व में किए गए निर्माण कार्य की बकाया धनराशि की मांग उठाते हुए कार्य बंद करवा दिया है। आज कॉन्ट्रैक्टर यूनियन ने जिलाधीश के साथ बैठक कर उन्हें अपनी पूर्ण व्यथा सुनाई। इस दौरान जिलाधीश विनय धीमान ने कॉन्ट्रैक्टर यूनियन को आश्वासन दिया कि उनकी धनराशि को दिलवाने के प्रति प्रशासन उन्हें पूर्ण सहयोग प्रदान करेगा, मगर कॉन्ट्रैक्टर यूनियन निर्माणाधीन कीरतपुर नेरचौक फोरलेन के निर्माण कार्य को बाधित नहीं करने का आग्रह किया। हालांकि कॉन्ट्रैक्टर यूनियन के अध्यक्ष अशोक कुमार व सचिव हेमराज ने ऐलान किया कि जब तक उनकी बकाया धनराशि नहीं दी जाती है तब तक किसी भी सूरत में निर्माणाधीन फोरलेन का काम नहीं चलने देंगे। वे अपने परिवारों सहित निर्माण स्थल पर अपने परिवारों सहित धरना प्रदर्शन कर अन्य कंपनी के द्वारा आरंभ
कंपनी के कार्य को बाधित करेंगे। कॉन्ट्रैक्टर यूनियन का कहना है कि बैंकों से ऋण लेकर उन्होंने इस महत्वपूर्ण सड़क निर्माण कार्य में अपना सहयोग प्रदान किया है। उनके मेहनताने की धनराशि नहीं मिलने के कारण वो सड़कों पर आ चुके हैं। ऋण से संबंधित बैंकों ने उन्हें अपनी संपत्ति की नीलामी के नोटिस देने आरम्भ कर दिए हैं। उनके पास अपने परिवारों के भरण पोषण के प्रति परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब भविष्य में देखना होगा कि कितने समय के उपरांत इस महत्वपूर्ण सड़क मार्ग का निर्माण कार्य आरंभ होता है, साथ ही प्रशासन ठेकेदारों के बकाया धनराशि को दिलवा पाने में सफल होता है या नहीं। पंजाब पुलिस के एक बड़े अधिकारी की नीली बत्ती का रोब उस समय भारी पड़ गया जब ज्वालामुखी पुलिस ने इस पुलिस अधिकारी के गाड़ी के ऊपर लगी नीली बत्ती का चलान काट दिया। इस बीच पुलिस ने अधिकारी को नीली बत्ती का चलान काटते हुए नीली बत्ती को भी अपने कब्जे में ले लिया है, साथ ही चलान के रूप में कुछ नगद राशि प्राप्त की है। डीएसपी ज्वाला जी तिलकराज ने इस चलान बारे पुष्टि की है। दरअसल बीआईपी कल्चरल खत्म होने के बाद भी कुछ अधिकारियों के अपने रुतवे व शोक नहीं हट रहे हैं। ऐसा ही वाक्य ज्वाला जी में देखने को मिला जब ज्वाला जी पुलिस ने मुख्य मंदिर मार्ग के पास PB11BW7474 नंबर की एक गाड़ी के ऊपर लगी नीली बत्ती का चलान काटा। दोपहर के समय बस स्टैंड के पास पुलिस चौकी के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में चौकी के अंदर व बाहर खड़े ट्रैफिक कर्मियों की नजर उक्त गाड़ी पर पड़ी व उन्होंने गाड़ी के ऊपर लगी नीली बत्ती देखी तो पुलिस ने तुरंत वाहन चालक को रोककर उसके साथ पूछताछ की। इस दौरान एएसआई ट्रैफिक रवि दत्त ने वाहन में नीली बत्ती लगाए जाने पर उसके खिलाफ चलानी कार्रवाई की और अवैध रूप से लगाई गई नीली बत्ती भी गाड़ी से नीचे उतारकर उसे अपने कब्जे में ले लिया।